सलमान खान के लिए नया साल नई खुशखबरी लेकर आया। एक तरफ आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को जोधपुर की कोर्ट ने बरी कर दिया, तो दूसरी तरफ सलमान के दोस्त, घर वालों और फैंस के लिए ये जश्न मनाने का मौका है। इसे मुकद्दर कहिए या सुल्तान का रसूख की गर्दिश में चल रहे सितारे भी सामने सर झुका दे। मुसीबतों से लड़कर भी जो और ताकत से उभरे वही है सुल्तान, यानी सलमान नाम के ही सुल्तान नहीं बल्कि किस्मत के भी सुल्तान साबित हो गए। इसलिए हिंदी सिनेमा में धूमकेतु बन चुके सलमान की गैलेक्सी के बाहर उनके चाहने वालों का दिन दिवाली हो गया। विवाद जितने भी हो लेकिन तब भी अपना सिक्का चलता रहे, यही है सुल्तान का कमाल। सलमान खान का नाम जाने कितने विवादों से जुड़ा है लेकिन तब भी इसका उनके रुतबे, उनकी शोहरत पर कोई असर नहीं पड़ता। और अब तो किस्मत ऐसी मेहरबान है कि एक के बाद एक वो हर केस से निकलते जा रहे हैं। पहले हिट एंड रन केस में राहत और अब आर्म्स एक्ट में बरी। सलमान का सिक्का सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी खूब चल रहा है। बरी होकर जब मुंबई आए तो उनके घर के बाहर फैंस का तांता लगा हुआ था। यूं तो सलमान के दीदार के लिए उनके फैंस हर वक्त उनके घर के बाहर जमे रहते हैं, लेकिन आज मौका कुछ खास था। सुल्तान आरोपों से बरी होकर घर लौट रहा था, लेकिन आपको इससे कुछ घंटे पीछे ले चलते हैं। सुबह 11:34, 18 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसले की घड़ी थी। सफेद शर्ट पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए सलमान जब जोधपुर सीजीएम कोर्ट पहुंचे तो चेहरे की शिकन छिपाए नहीं छिपी। माथे पर बल पड़े हुए थे और शायद जहन में एक ही सवाल कि आज क्या होगा। सलमान कोर्ट के अंदर थे लेकिन उनके फैंस कोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत ही मतलब सलमान खान के बहुत ही बड़े फैन है, वी आर वेरी बिगेस्ट फैन। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनको ये स्केच प्रेजेंट करने के लिए, और जब हमें कल पता पड़ा कि वो आज जोधपुर आए हैं और वी आर डेस्परेट टू गिव हिम द स्केच, और कुछ नहीं तो हम उसका ऑटोग्राफ भी स्केच में लेना चाहते हैं। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। महज 13 मिनट बाद ही बड़ी ही जल्दबाजी में सलमान कोर्ट से बाहर निकल गए और इसी के साथ मीडिया में छा गई एक खबर। 1998 आर्म्स एक्ट केस में सलमान बरी। 1.5 दशक लंबे खींचे केस का फैसला महज 1.5 लाइनों में सिमट गया। 7 मिनट में ही जज ने सलमान खान के बरी होने का फैसला सुना दिया। बरी होकर सलमान जब वापस मुंबई आए तो चाल में जीत कर लौटने का रौब था तो चेहरे पर सुकून। कोर्ट कचहरी के इतने चक्करों के बाद बड़ी राहत जो मिली। खबर है कि बरी होने की खुशी में आज रात गैलेक्सी अपार्टमेंट में जश्न भी होगा। सलमान से मिलने उनकी करीबी दोस्त संगीता बिजलानी उनके घर भी पहुंची। फैसला 18 साल बाद आया है लेकिन कानूनी लड़ाई यही खत्म नहीं होगी। मामला ऊंची अदालत भी जा सकता है लेकिन फिलहाल तो मौका जश्न का है और सलमान की जिंदगी में सुकून भरे पलों का है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। सलमान के चाहने वालों के लिए ये जश्न का मौका है लेकिन उसके पहले कोर्ट में जाने और वहां से बरी होने के पहले सलमान खान के लिए दिन की शुरुआत काफी तनाव भरी रही। आइए दिखाते हैं कोर्ट रूम में सलमान खान के क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए। चेहरे पर सुकून, मन में उमंग और शांत चेहरा, और इसके ठीक उलट फैंस में जबरदस्त उत्साह। नए साल में सलमान खान के लिए नई सुबह 18 जनवरी साबित हुआ।
18 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई का फैसला 18 जनवरी 2017 को आया और 7 मिनट कोर्ट में रुकने के बाद डेड लाइन के फैसले ने सलमान को बरी कर दिया। यानी डेढ़ दशक से ज्यादा चले केस में फैसला आया तो वो भी बस डेढ़ ही लाइन में। जोधपुर कोर्ट से बाहर आते हुए सलमान खान के चेहरे से तनाव की सारी लकीरें गायब हो चुकी थी। सुनवाई अवैध हथियार रखने के केस में थी। अदालत ने बरी कर दिया तो सलमान ने राहत की सांस ली, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी ऊपरी अदालत में भी जा सकती है। हर केस की अलग अलग एविडेंस होती है। इस केस में कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो इस केस में एविडेंस पेश की गई है उस एविडेंस से संदेह से परे ये अपराध साबित नहीं हुआ है। सलमान के लिए दिन की शुरुआत तो तनाव से हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। सुबह कोर्ट जाते वक्त माथे पे जो चिंता की लकीरें नजर आ रही थी, दोपहर जाते जाते वो भी गायब हो गयी। सलमान खान 11:34 में कोर्ट पहुँच गए, जहाँ उनके केस की सुनवाई ठीक 3 मिनट के अंदर ही शुरू हो गयी। जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अदालत की कार्रवाई जारी रखते हुए सलमान खान से पूछा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान खान है। अपने घर का पता बताओ। गैलेक्सी अपार्टमेंट, बांद्रा, मुंबई। आप पर 2 धाराओं के तहत आरोप है, पहला 3/25 और दूसरा 3/27, लेकिन दोनों धाराओं के तहत सरकारी पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए आपको दोनों धाराओं के तहत बरी किया जाता है। लगभग 12:45 सलमान खान को सेशन कोर्ट से बरी कर दिया गया, जिसके बाद सलमान खान अदालत से बाहर आ गए। फैसले के वक्त जोधपुर कोर्ट में सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ मौजूद थे। सलमान खान ने फैसले के बाद खुशी जताते हुए अपनी बहन अलवीरा से हाथ मिलाया और कई फैंस और वकीलों को ऑटोग्राफ दिए, साथ ही अपने फैंस का आभार भी व्यक्त किया। आप सभी के समर्थन और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। सलमान इससे पहले बीते साल 10 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में आए थे, तब भी उन्होंने खुद को निर्दोष ही बताया था। आर्म्स एक्ट केस में बरी होने का फायदा सलमान खान को अब 2 काले हिरणों के शिकार के केस में भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में गवाह और सबूत काफी हद तक एक जैसे हैं। 25 जनवरी को इस केस में अब सलमान खान के बयान दर्ज होने। कैमरा पर्सन मनीष और राजेंद्र सिंह सांजू के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, न्यूज 18 इंडिया। आखिर क्या हुआ था सलमान खान के पूरे केस में? सरकारी वकीलों ने कहां चूक कर दी जिसका फायदा सलमान के वकीलों को मिला? बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिर क्या हुआ था सलमान खान के केस में? सरकारी वकीलों ने कहां चूक कर दी थी जिसका फायदा सलमान के वकीलों को मिला? आर्म्स एक्ट लगने के बाद आखिर कैसे सलमान के वकीलों ने कोर्ट को जेल की जगह रिहाई का फरमान सुनाने पर मजबूर कर दिया? आइए देखते हैं। अठारह साल बाद कोर्ट ने सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया और सुल्तान एक बार फिर से किस्मत का बलवान साबित हो गया। लेकिन फैसले पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जानकार मानते हैं कि इस केस में पहले ही पेश थे, ऊपर से कमजोर पैरवी ने सलमान को बचा लिया। ये केस 5 मुख्य गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट पर टिका था, लेकिन ये सभी सबूत कमजोर और अधूरे साबित हुए। आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत लाइसेंस खत्म होने पर हथियार थाने में जमा कराना होता है, लेकिन कोर्ट ने तर्क दिया कि यहाँ ये धारा लगनी ही नहीं चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस रिन्यू न होने पर IPC की धारा 21 के तहत केस दर्ज होना चाहिए था, लिहाजा जब धारा ही गलत लगाई गई, तो पूरा केस ही उलट गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान खान को बरी करने के अपने फैसले में इस केस की जांच को लेकर कई सवाल उठाए। यहाँ तक कि सलमान खान को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में आरोपी बनाने को ही गलत माना, कहा कि वह IPC की धारा 21 में आरोपी हो सकते थे। केस में कुल 20 गवाह थे और 5 की गवाही पर केस टिका था। पहला, विजय नारायण पंडित, मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में तैनात लाइसेंस अधिकारी। पीड़ित ने गवाही में बताया कि हथियारों के लाइसेंस 22 सितंबर 1998 तक के ही थे,
लेकिन हथियार राजस्थान और गुजरात ले जाने के लिए ट्रांजिट वीजा 30 सितंबर 1998 तक जारी किया गया। दूसरा, छोगाराम चश्मदीद। छोगाराम कांकड़ी में ही रहता है। छोगाराम ने बयान में कहा था कि शिकार की रात सलमान के हाथ में टेलीस्कोप लगी एक बंदूक थी। उसने देखा सलमान ने पहला फायर काले हिरण की गर्दन पर किया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सलमान खान ने दूसरी गोली दागी। तीसरा, शेराराम चश्मदीद। शेराराम ने बयान में कहा कि उसने शिकार के बाद एक जिप्सी जाती देखी। जब उसने जिप्सी का पीछा किया तो उसमें सलमान खान थे। चौथा, सत्यमणि पुलिस इंस्पेक्टर। सत्यमणि ने गवाही में कहा कि सलमान ने सबसे पहले उसे ही 29 सितंबर को बताया था कि उसके हथियार खो गए हैं। इसके बाद 29 सितंबर को जब होटल के कमरे की तलाशी ली तो हथियार मिल गए थे। कोर्ट ने गवाहों के बयान में भी दम नहीं पाया। कोर्ट ने कहा कि बयानों से ये साबित नहीं होता कि 1 और 2 अक्टूबर को यही हथियार सलमान के पास थे। सरकारी वकील ये साबित नहीं कर पाए कि सलमान खान ने अपने पास हथियार रखे थे या नहीं। एफआईआर में दर्ज आरोपों को भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। जांच अधिकारियों ने एक बार फिर घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। गवाहों ने अपने बयान में सलमान को शिकार करते देखा लेकिन जांच अधिकारियों ने गवाहों से हथियार की पहचान नहीं करवाई। मामले की जांच रिपोर्ट भी कमजोर कड़ी साबित हुई। हिरणों की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजे अलग अलग निकले। एक रिपोर्ट कहती है कि हिरण का शिकार कुत्ते ने किया तो दूसरी कहती थी कि हिरण को गोली मारी गई। एफएसएल रिपोर्ट में ये भी तय नहीं हो सका कि सलमान के हथियारों का इस्तेमाल शिकार के लिए हुआ, यही सलमान के लिए वरदान साबित हुआ। अब फैसले से निराश विश्नोई समुदाय ने सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप लगाया है। उनकी मांग है कि सरकार ऊपरी अदालत में अपील करे। जिस तरह से अभियोजन पक्ष है इसमें पूर्ण रूप से सशक्त नहीं रहा है। अभियोजन पक्ष के ये लगातार प्रकरण चल रहा है, प्रकरण इसमें कई अभियोजन अधिकारी परिवर्तित हो जाते हैं तथा एक निश्चित अधिकारी नियुक्त करके अलग अलग तरह के आते हैं। अब 25 जनवरी को सलमान जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे क्योंकि जिस कांकरी शिकार केस में ये आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था उसकी सुनवाई होनी है। अब जब ये साबित नहीं हो पाया कि किन हथियारों से शिकार किया गया तो 25 जनवरी को भी सलमान खान को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही।